मेरा नाम सौम्या है, मैं सेक्टर 34 में रहती हूँ। आप भी आओ सेक्टर 34 में रहो। एक मैं बहुत ही बेहतरीन फ्लैट आपको दिखाने आया हूँ, रोहिणी सेक्टर 34 का LIG फ्लैट, जो आपने शायद ही इतने कम बजट में कहीं भी देखा हो। भी फ्री होल्ड DDA का, जिसकी पक्की रजिस्ट्री है, आपको फाइनेंस भी मिल जाता है। और ऐसा फ्लैट आपको मात्र, अगर आप फोर्थ फ्लोर लेते हो, मात्र 9.5 लाख रुपए से 11 लाख के बीच में मिलने वाला है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर लेते हो तो आपको 13.5-14-15 लाख-16 लाख रुपए में ग्राउंड फ्लोर मिल जाता है। आप देख सकते हैं भाई ने कितना बढ़िया बना रखा है फ्लैट। आप भी बना सकते हैं ऐसा फ्लैट, आप भी खरीद सकते हैं मात्र 9.5 लाख रुपए में। आपको ऊपर का फ्लोर मिल जाता है, फोर्थ फ्लोर, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, पक्की रजिस्ट्री है, और दिल्ली के रोहिणी में पड़ता है। रोहिणी का नाम सुनते ही एक ब्रांड है रोहिणी, और रोहिणी में इन्वेस्टमेंट करना एक तरीके का सोना है, एक तरीके से कोयले में से निकला हुआ ये हीरा है। और आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करें और 3-4 साल में दुगना तिगना प्रॉफिट कमाए, क्योंकि मेट्रो पास हो चुकी है रोहिणी सेक्टर 34 की, जो नरेला होते हुए कुंडली जाएगी। और बहुत ही बढ़िया फ्लैट हैं, मात्र 9.5 लाख रुपए से लेके 16-17 लाख रुपए तक आपको ये फ्लैट लोकेशन फ्लोर वाइज के हिसाब से मिल जाता है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, पक्की रजिस्ट्री है, और देख सकते हैं आप भी इस तरीके का फ्लैट बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये फ्लैट है, आप भी इस तरीके मॉडर्न किचन बना सकते हैं। देख सकते हैं किस तरीके भाई ने इतना अच्छा फ्लैट बना रखा है, तैयार करा रखा है, आप भी करा सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी लेना आज के टाइम में दिल्ली जैसे शहर में बहुत ही मुश्किल है। आप लेना चाहते हो तो रोहिणी और नरेला एक ऐसी जगह है जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। 2-3 साल में चाहे नरेला लो चाहे रोहिणी लो, 2-3 गुना बढ़ना ही बढ़ना है। और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है रोहिणी सेक्टर 34 की और नरेला की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब मेट्रो आने वाली है, जहाँ चीज़ कोई अच्छी डेवलपमेंट होने वाली हो, सरकार की कोई नीति का काम जल्दी से शुरू होने वाला हो, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करना एक तरीके से आप कोयले में से हीरा ले रहे हैं, जो 3-4 साल में आपको 2-3 गुना प्रॉफिट देना ही देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ हर चीज़ आने वाली है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्केट, हर चीज़ की फैसिलिटी अगर आएगी तो आप जहाँ पैसा लगा रहे हो वो एक तरीके से कोयले में से हीरा लेना है। तो आप आओ यहाँ इन्वेस्टमेंट करो और ले लो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इतनी अच्छी प्रॉपर्टी पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलने वाली। अगर मिलेगी वो इतने की होगी, वो इतने की ही रह जाएगी, मगर यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 2-3 गुना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। चाहे नरेला लो चाहे रोहिणी सेक्टर 34 लो, इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से दोनों ही बहुत बढ़िया हैं। आओ इन्वेस्टमेंट करो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, पक्की रजिस्ट्री है, और फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर करें हर जगह और फैला दें। मंकी जी, मेरा नाम भीमराव है और मैं सेक्टर 34 में रहता हूँ। और ये जो फ्लैट जो है तो बहुत अच्छे हैं और छोटे भी है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम नेटवर्क की है जो कि पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। यहाँ पर किसी से बात करना है, रिलेटिव से, या किसी पुलिस को बुलाना है तो नेटवर्क नहीं मिलता है यहाँ पर।
और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कन्वेंस की प्रॉब्लम है, यहाँ पर 2-3 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है और उसके बाद में फिर कोई बस पकड़ना है या टैक्सी पकड़नी है, स्कूटर पकड़ना है, थ्री व्हीलर पकड़ना है, तो फिर यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ता है। ये प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। बाकी हमारे जो साथ में रहते हैं पड़ोसी, बाकी ये बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है जी। हेलो, मेरा नाम सिद्धार्थ है और हम यहाँ सेक्टर 34 के जो ये DDA फ्लैट्स हैं इसके अंदर हमारा रेजिडेंस है। और जैसे अभी अंकल ही ने बताया कि बेसिकली सारी चीज़ें ठीक हैं यहाँ पर, इतना ज़्यादा कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो सब ठीक है, वाटर सप्लाई ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी ठीक है, लेकिन मेन इशू जो यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है वो कन्वेंस का रहता है। मतलब हमें कहीं जाना है तो अगर अपना पर्सनल व्हीकल है तो कन्वीनियंट है, अदरवाइज़ कोई गवर्नमेंट तरफ से और प्राइवेट भी जो व्हीकल वगैरह चलने चाहिए, जो पैसेंजर्स बसेज वगैरह चल रही हैं उसकी फैसिलिटी यहाँ पर अभी नहीं है। और दूसरा नेटवर्क इशू है जो मोबाइल से या हमें आजकल जैसे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हैं और वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है आजकल, तो उसमें प्रॉब्लम रहता है, मेनली इंटरनेट प्रॉब्लम भी रहता है काफ़ी यहाँ पर। बस बेसिकली ये दो ही चीज़ें हैं और तो बाकी सब आपके सामने है। देखिए हरियाली भी ठीक ठाक है, ग्रीनरी भी है, इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं है और नीट एंड क्लीन जो साफ़ सफाई है उसके लिए भी DDA टाइम टू टाइम और उसकी सफाई वगैरह चलती रहती है। मेरा नाम मनदीप है, मैं सेक्टर 34 में रहता हूँ और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो ठीक ही है, अगर कोई नया बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो बिल्कुल अच्छी जगह है, एटमॉस्फेयर भी अच्छा ही है और दिल्ली से बाहर जो आपको एयर चाहिए वो भी बिल्कुल साफ़ ही है और पास में आपकी नहर भी पड़ती है जिससे गर्मियों में आपको अच्छी ठंडी हवा मिलती है, प्रदूषण नहीं है। और बट यहाँ पे एक दिक्कत है कि ट्रांसपोर्ट नहीं है, बसें नहीं है और मेडिकल फैसिलिटी नहीं है और ना ही स्कूल फैसिलिटी है, बस ये थोड़ा सा दिक्कत है इससे इस मतलब आसपास के लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। अगर ये चीज़ें हो जाए तो यहाँ पे प्रशासन जो रेजिडेंसी है वो काफ़ी अच्छी फूलेगी फलेगी। बस थैंक यू, काफ़ी अच्छा बोला। बाकी आपने देख लिया यहाँ की जो अच्छाई भी है, थोड़े बहुत प्रॉब्लम भी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए इस चैनल को और आगे तक पहुँचाइए चैनल, अपना शेयर करिएगा। धन्यवाद।